एक बार एक छोटे से गांव में एक पवित्र पुजारी रहते थे। वो बहुत ही भोला और सरल दिमाग का व्यक्ति था, धार्मिक अनुष्ठान करता था। एक अवसर पर एक धनी व्यक्ति द्वारा उनकी सेवाओं के लिए उन्हें बकरी से पुरस्कृत किया गया। इनाम के तौर पर बकरा पाकर पुजारी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी बकरे को अपने कंधे पर लटका लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तीन ठगों ने देखा कि पुजारी बकरी को लेकर जा रहा है। वे सब के सब आलसी थे और पुजारी को धोखा देना चाहते थे ताकि वे बकरी को ले जा सके। उन्होंने कहा, यह बकरी हम सब के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनेगी, चलो किसी तरह मिल जाए। उन्होंने आपस में इस मामले पर चर्चा की और पुजारी को बेवकूफ़ बनाकर बकरी को पाने की योजना बनाई। योजना तय करने के बाद वे एक दूसरे से अलग अलग हो गए और पुजारी के रास्ते में तीन अलग अलग जगहों पर छिपने की अलग अलग पोजीशन ले ली। जैसे ही पुजारी एकांत स्थान पर पहुंचे, उनमें से एक धोखेबाज अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और पुजारी से चौंकने वाले तरीके से पूछा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को अपने कंधे पे कुत्ते उठाने की क्या आवश्यकता है। पुजारी इस तरह के शब्द पर शब्द सुनकर हैरान रह गए। वह चिल्लाया, क्या तुम नहीं देख सकते यह कुत्ता नहीं बकरी है, मूर्ख, धोखेबाज ने उत्तर दिया। सर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने क्या देखा, मुझे खेद है अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते। पुजारी विसंगति पर नाराज था लेकिन एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। पुजारी मुश्किल से कुछ दूर चला था जब एक और ठग छिपने के स्थान से बाहर आया और पुजारी से पूछा, श्रीमान आप अपने कंधे पर एक मरे हुए बछड़े को लेके जाते हैं, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं, इस तरह का कार्य आपकी ओर से शुद्ध मूर्खता है। पुजारी चिल्लाया, क्या आप एक जीवित बकरी को मृत बछड़ा समझने की भूल कैसे कर सकते हैं। दूसरे धोखेबाज ने जवाब दिया, सर आप इस मामले में बहुत गलत जान पड़ते हैं, या तो आप नहीं जानते कि बकरी कैसी दिखती है या फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा, धन्यवाद। दूसरा ठग मुस्कुराता हुआ चला गया। पुजारी भ्रमित हो गया लेकिन आगे बढ़ना जारी रखा। फिर पुजारी कुछ दूर ही चल चुका था कि तीसरा ठग उसे मिल गया। तीसरे ठग ने हंसते हुए पूछा, सर आप अपने कंधे पर गधे को क्यों लादे हैं, यह आपको हंसी का पात्र बनाता है। तीसरे ठग की बात सुनकर पुजारी जी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, क्या सचमुच बकरी नहीं है, क्या यह किसी प्रकार का भूत है। उसने सोचा कि जिस जानवर को वह अपने कंधों पर ढो रहा था वह वास्तव में किसी प्रकार का भूत हो सकता है, क्योंकि उसने खुद को बकरी से कुत्ते में, कुत्ते से मरे हुए बछड़े में और मरे हुए बछड़े से गधे में बदल लिया। पुजारी इस हद तक डर गया कि उसने बकरी को सड़क किनारे फेंक दिया। भोले भाले पुजारी पर तीनों चालबाज हंसे, उन्होंने बकरी को पकड़ लिया और उसे खाकर खुश हुए। नैतिक, दूसरे जो कहते हैं उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उन लोगों के बहकावे में ना आए जो आपका फायदा उठाते हैं।